नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात होगी सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉर्चर के बीच होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 30 के बारे में। ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड लीग में आपको अच्छा करके दे सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में बता दूंगा, ध्यान से देख लेना। सारे पंटर, कैप्टन और यूनिक प्लेयर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब सबसे जरूरी चीज़ है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे बेहतरीन एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और जो मेरी फाइनल टीम है, मेरा फाइनल अपडेट है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो की शुरुआत करिएगा दोस्तों। अच्छे मुहूर्त के साथ शुरुआत करोगे तो मजा आएगा। सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम पर यह मैच होगा, मतलब सिडनी थंडर का होम ग्राउंड है। अब जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने, यहीं से शुरुआत हो जाती है, नोट करते चलिएगा। कॉपी पेन रख लो, क्या दिक्कत है, कॉपी पेन रखो, जो काम काम की चीजें उन्हें नोट करते चलना, ठीक है। अब पहली चीज क्या है, मैदान पर टोटल हुए हैं 33 मैचेस, जिनमें से 17 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 16 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहां पे कुछ खास नहीं, खास जो चीज है वो यहां पर है। क्या है कि जो 150 से कम का स्कोर है वो 13 बार बना है। 33 मैचेस में से 13 बार 150 से कम का स्कोर बना है, और उसके बाद बना है 150 से लेकर 170 का स्कोर। मतलब ये वो ग्राउंड है जहां पर अगर आप बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेते हो तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि बल्लेबाज 150 कर रहे हैं, 150 में एक बल्लेबाज कितना स्कोर करेगा, 40 कर देगा, 60 कर देगा। लेकिन अगर एक गेंदबाज ने 3 विकेट निकाल दिए तो सीधे 100 पॉइंट हो रहे हैं आपके, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हो रहा है, बोनस वोनस सब मिला के बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये आपको बेनिफिट देगा, इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जहां लो स्कोरिंग ग्राउंड मिल रहा है वहां पर गेंदबाज पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब स्कोर की बात करें तो देखिए, इस मैच में 203 था, फिर यहां पे 111 बना, सिर्फ यहां पर सिर्फ 121 बना, और यहां पे सिर्फ 133 बना। विकेट कितने गिरे इस मैच में, पूरे 10 विकेट गिर गए थे, टीम ऑल आउट हुई, यहां पे 6 विकेट गए, और इस मैच में 8 विकेट थे पहली पारी के अंदर। सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो दोस्तों, यहां पे तो डकवर्थ लुईस से ये मैच छोटा हो गया था, बाकी यहां पे 3 विकेट थे, यहां पे 0 विकेट और यहां पर 1 विकेट। तो पिछले जो कुछ मैचेस निकले हैं, चेस करने वाली टीम ने अच्छा किया है, मतलब चेस करने वाली टीम अच्छा कर रही है, और जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा है। अब स्कोर हुआ कितना है, जैसा मैं आपको बता रहा था, इसमें जरूर एक बड़ा स्कोर है। बाकी मैचेस अगर उठा के देखेंगे तो जैसे वार्नर ने 36 किया, यहाँ पे 59, जो मैं आपको क्लियर बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 40 करेगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा 60 कर देगा। ओलिवर डेविस 52, कैमरून बैनक्राफ्ट 55, 59, 43 और 42 का स्कोर, ये स्कोर देखने मिले हैं। अब स्कोर करने वाले प्लेयर कौन से नंबर के हैं, ओपनर नंबर 3, ओपनर नंबर 3, मतलब एक विकेट पावर प्ले के अंदर देख लो, इसके बाद में आपको एक जो प्लेयर आएगा नंबर 3 का या ओपनर जो बचेगा वो स्कोर कर देगा। फिर अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो ओपनर यहां पे नंबर 5 था, फिर ओपनर है, फिर यहां पे ओपनर है। तो कुल मिलाकर जो सेकंड इनिंग है वहां से आप टॉप ऑर्डर, मतलब ओपनर से उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको कुछ अच्छा करके दे जाए। तो दोस्तों, ये चीज क्लियर होती है ग्राउंड से। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। एक और जो चीज हमें देखना रह गई कि भैया स्पिनर के खाते में कुछ है या नहीं, तो देख लेते हैं। स्पिनर को 0-2-0, यहाँ पे 2-2 हैं, यहाँ पे 3-0, यहाँ पे 3-0, तो ऑलमोस्ट 1-2 विकेट वाला स्पिनर का परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। बाकी स्पिनर्स के खाते में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड की। दोनों टीमों ने बराबर का परफॉर्मेंस दिया है अभी तक। 17 मैच खेले हैं, 9 जीते सिडनी ने, 8 जीते पर्थ ने। अब जो लास्ट मैच इन दोनों टीमों ने खेला था, बहुत दोस्तों 110 कुछ रहा होगा, गलती से मिसटाइप हुआ है, 111 रहा होगा। ओलिवर डेविस ने 52 का स्कोर किया था, जिसमें कैमरून बैनक्राफ्ट ने 55 किया, ये टीम ऑल आउट हो गई थी। स्टीफन एस्किनाजी ने 40 किया था, क्योंकि एक विकेट पर इन्होंने इस मैच को विन किया। लैंस मॉरिस 2, मैट केली 2 और डेविड पेन 2, अब सभी ने निकाले 2-2 विकेट। यहाँ पे 3 विकेट किसी एक के खाते में नहीं गिरे थे। इस मैच में देखें 142 था, जिसमें टर्नर का 61 और रिचर्डसन के 2 विकेट थे। 3 विकेट निकाले थे नेथन मैकेंड्रू ने, उस्मान ने 2 विकेट, मैट ग्लेक्स का 32, एलेक्स रोस का 41 और ओलिवर डेविस का 58। मतलब इस मैच के अंदर मैकेंड्रू ने कैप्टनसी वाला काम करके दिया था अपनी टीम के लिए। अब
यहां हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। हाल फिलहाल में ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं टीम में, वही आपको एक बार फिर से नजर आएगी। एलेक्स हेल्स और कैमरून बैनक्राफ्ट आपको ओपन करते हुए मिलेंगे, यहां से सैम विटमैन और जैक क्राउले मिलते हैं। इसके बाद हार्डी यहां पर आएंगे, यहां पर टॉम कोलर किडमोरे आएंगे। गेंदबाजी के ऑप्शन कितने हैं इस टीम के पास में, तगड़ी गेंदबाजी है। ये जो पांचों गेंदबाज हैं इसमें से ये जो चार हैं इनके, ये बहुत तगड़े हैं, मतलब इस टीम की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है। वैसे तो हार्डी भी गेंदबाजी करते हैं पर ये एक-आधे ओवर ही डाल रहे हैं। वहीं अगर हम इस तरफ देखते हैं तो डैनियल सैम्स से लेकर लियाम हैचर तक इनके पास में छह बॉलिंग ऑप्शन है और ये छह में से आपको छह के छह गेंदबाजी करते हुए मिल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं पावर प्ले में कौन आने वाला है, डेथ में आपको कौन मिलेगा। तो पावर प्ले की जो गेंदबाजी है उसमें डैनियल सैम्स और गुरिंदर संधू आते हैं। क्रिस ग्रीन का इस्तेमाल होता है तनवीर सांगा के साथ में। डेथ में आते हैं तनवीर सांगा, डैनियल सैम्स, लियाम हैचर और नेथन मैकेंड्रियो। वहीं अगर हम पर्थ की बात करें तो जेसन बैरनड्रॉफ, जाय रिचर्डसन, लेंस मॉरिस और एस्टन अगार। डेथ में आपको बैरनड्रॉफ, लेंस मॉरिस, रिचर्डसन और एंड्रू टाई गेंदबाजी करते हुए मिल जाते हैं। अब जो इस टीम की तरफ से आपको पहला नाम मिलता है सिडनी थंडर की तरफ से, वो है वेन्यू रिकॉर्ड में एलेक्स हेल्स का। 11 पारी खेली है इस मैदान के ऊपर, ओपन करने आते हैं, दो बार 50 से ऊपर का स्कोर है। हमने क्या बात की थी कि इस मैदान पे टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, आप ये देख लीजिएगा पूरी टीम सामने रखी है, 12-12 पारियां खेल चुके हैं ये, लेकिन 50 जो आपको देखने मिलती हैं वो दो दो 50 सिर्फ टॉप ऑर्डर के दो बल्लेबाजों ने लगाए हैं, मतलब ग्राउंड रिकॉर्ड हमारा बहुत हद तक सही है। और इसका अगर हम बैनक्राफ्ट का एवरेज देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, 58 का एवरेज है। इसके बाद ओलिवर डेविस का 16 का है, एलेक्स रोस का 31 का एवरेज है, डैनियल सैम्स का 11 का है और ग्रीन का 9 का एवरेज है। इन दोनों ने एक एक 50 लगाए हैं, डेविस और रोस ने। अब गेंदबाजी पर आओ, इस मैदान के ऊपर डैनियल सैम्स का 18 में 27, 9 विकेट ज्यादा। फिर क्रिस ग्रीन चूंकि स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट नहीं है इसलिए 23 में 18 है। फिर नाम आता है गुरिंदर संधु, 17 में 11 एवरेज गेंदबाज है। तनवीर सांगा 2 में 2 और नेथन मैकेंड्रू 10 में 5 है। इसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेयर एलेक्स हेल्स के बारे में। एलेक्स हेल्स ने ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 पॉइंट का बीड़ा ले रखा है और वही आपको 25 से 30 पॉइंट दे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्थ स्कॉर्चर के सामने 26 का एवरेज है और सिर्फ एक ही बार 50 से ऊपर का स्कोर है, और पिछले अगर आप एक साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 27 का एवरेज, 8 50 और 2 शतक है। अब इनको अगर टीम में पिक करना है तो आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट इनिंग की बैटिंग उतनी ज्यादा बेहतर इनकी हमने देखी भी नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है, सामने वाली टीम के पास में क्वालिटी तो वही है कि उनके पास में तगड़े गेंदबाज हैं, जेसन बैरनड्रॉफ मिलते हैं। अब आप रिकॉर्ड देखिएगा किस तरीके से रिलेट करता है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है और जेसन बैरनड्रॉफ इनको 2 बार आउट कर चुके हैं सिर्फ 20 गेंदों के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं इनको ये दिक्कत देंगे। इसके बाद नंबर दो पे है कैमरून बैनक्राफ्ट, जिन्होंने 46, 30, 74 और 25 का स्कोर किया है। पिछले अगर आप एक साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 38 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए भी ठीक रहा, सेकंड बैटिंग करते हुए भी ठीक है और ऑलमोस्ट हर चौथी इनिंग के अंदर इनके बैट से आपको एक 50 देखने मिल जाता है। तो ये जो मैच है बहुत हद तक इनके फेवर में आपको देखने मिलेगा, कमजोरी कुछ भी नहीं है, राइट आर्म मीडियम इनको 3 बार आउट कर चुका है। फिर आते हैं नंबर 3 पे जो है टॉम कोलर किडमोरे। खिलाड़ी ठीक है, T20 के लिए ही बने हुए हैं, अधिकतर मैचेस आपको T20 में खेलते हुए ही मिलेंगे। अब लेकिन अगर आप देखेंगे इनके रिकॉर्ड को, रीसेंट परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा नहीं रहा, 0 और 4 लगा है, 50 पारी में 32 का एवरेज और 9 बड़े स्कोर ये लगा चुके हैं। लगभग हर 5वीं पारी में इनके बैट से एक अच्छा स्कोर निकलता है और राइट आर्म मीडियम इनको 1 बार पहले आउट कर चुका है। फिर इसके बाद ओलिवर डेविस हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25 का आंकड़ा ये पार कर रहे हैं हर मैच के अंदर। पर्थ के सामने 4 पारी में 165 रन और 40 का एवरेज है, वहीं अगर आप पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग एवरेज 22 का है जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाजी है वो इनको बहुत परेशान करती है। सामने वाली टीम के पास में एस्टन अगार हैं, अब वैसे ये विकेट टेकर नहीं है गेंदबाज, लेकिन अगर ये बल्लेबाज इनके सामने आता है जिसकी ये कमजोरी है तो पॉसिबल है कि ये विकेट निकालें। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 16 का देखने मिलता है जो कि है जाय रिचर्डसन। फिर आते हैं एलेक्स रॉस। एलेक्स रॉस ने
44 और 46 का स्कोर किया था। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट इनिंग का परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग का परफॉर्मेंस है। और हमें क्या देखने मिल रहा है कि इनकी पहली इनिंग में तो स्कोर फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड इनिंग में जाओगे तो उतना कुछ खास नहीं किया, ये खिलाड़ी आपके अभी उतना काम नहीं आने वाला है। अब अभी तक हम आ चुके हैं नंबर 5 पे, और नंबर 5 तक आते आते अगर मैं यहां से एक सही प्लेयर का सिलेक्शन करूं जिसको आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो, उसमें एक मात्र नाम ऐसा निकल कर आता है, वो है कैमरून बैनक्राफ्ट का, जो कि स्मॉल लीग और जीएल दोनों में आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। फिर इसके बाद डेनियल सैम्स, जो कि आपको बैटिंग भी देंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर उतनी अच्छी बैटिंग कर नहीं रहा है, हर एक मैच के अंदर बैटिंग आ रही है। नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए भी इनको 22 रन का स्कोर इन्होंने यहां किया था सेकंड इनिंग में, वहां तक बैटिंग आ गई थी और यहां पर भी दोस्तों बैटिंग आई है, तो कुल मिलाकर इनकी बैटिंग आ रही है चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, तो कैप्टनसी के लिए बढ़िया दावेदार है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे गेंदबाजी तो 41 इनिंग में 60 विकेट निकाले हैं, हालांकि पर्थ के सामने सिर्फ 6 ही विकेट इनके खाते में है। जब पहली इनिंग में गेंदबाजी की है तो और ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, तो अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कंफर्म कैप्टनसी का काम कर जाएंगे, और लेफ्ट आर्म मीडियम और ऑर्थोडॉक्स इनको बैटिंग करने में दिक्कत देता है। फिर इसके बाद है दोस्तों क्रिस ग्रीन की भी ऑलमोस्ट हर मैच में बैटिंग आई है, आप बैटिंग के लिए इन्हें पिक कर सकते हो, गेंदबाजी इनकी थोड़ी एवरेज है। और अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो पहले गेंदबाजी करते हुए 12 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट है, अगर इनको विकेट मिलता है तो वो इनके लिए बोनस होगा। नॉर्मली ये इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट इनको ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों गुरिंदर संधू है, जिन्होंने पर्थ के सामने निकाले हैं 9 इनिंग में 9 विकेट, और पिछले एक साल के अंदर 28 विकेट इनके खाते में है। जब ये पहली पारी में गेंदबाजी करते हैं तो इन्होंने निकाले हैं 19 विकेट। अब चूंकि इस मैदान के ऊपर कहानी कुछ ऐसी रही कि टॉप ऑर्डर के विकेट बहुत ज़्यादा नहीं गए, विकेट गए हैं मिडिल ओवर्स में, टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है 30-40 रनों का, तो ऐसे में जो मिडिल ओवर्स में ज़्यादा गेंदबाजी करता है हमारा फोकस उस पर थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे कि तनवीर सांगा, हालांकि ये स्पिनर है और 3 इनिंग 1 विकेट है पर्थ के सामने, और पिछले 2 सालों के अंदर 31 इनिंग में 39 विकेट, पहले गेंदबाजी करते हुए 13 और सेकेंड गेंदबाजी करते हुए 26 विकेट है। ये वो प्लेयर है नेथन मैकेनरी जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करता है, इस टीम के सामने पहले 10 विकेट निकाल भी चुका है, पहले गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में इस खिलाड़ी पर यह वो बड़ा रिस्की पिक है जो आपको बेहतर ऑप्शन बन सकता है, नेथन मैकेनरी, तो इस पर रिस्क लेना है। अब दोस्तों मैं रिस्क लेने के लिए क्लियर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप स्मॉल लीग में रख के इसे कैप्टन बना दो, ये है रिस्की चॉइसेस जो अभी तक नहीं चले लेकिन चलने के जिनके चांसेस बहुत बढ़िया इस मैच के अंदर पिच के अकॉर्डिंग ग्राउंड के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगला नाम है लियाम हैचर का, जिन्होंने 18 इनिंग में 18 विकेट निकाले हैं और पर्थ के सामने पहले 2 विकेट निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में, वैसे देखा जाए तो इस टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन ना के बराबर है, सिर्फ डेनियल सैम्स एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे आप ये उम्मीद करते हो कि हाँ ये आएगा तो विकेट निकाल देगा। फिर है अब दोस्तों यहाँ पे पर्थ, जिनमें सैम विटमैन ने 3 मैच खेले हैं, 48 का स्कोर किया है, बाकी एक एक मैचेस है। एस्टन अगार के 2 मैच है, 68 रन, गेंदबाजी में रिचर्डसन के पास में 2 विकेट, एंड्रू टाई ने निकाले हैं 4 में 10, जैसन बैरनरॉफ ने 3 में 7 विकेट और एस्टन अगार ने 4 में 4 विकेट इस मैदान पर पहले निकाले हुए हैं। पहला नाम है सैम विटमैन का, एवरेज प्लेयर है और एवरेज से भी थोड़ा कम ही मान के चलिएगा, बहुत रेयर सिचुएशन में स्कोर मिलेगा, 68 इनका हाईएस्ट स्कोर है, पहले बैटिंग करते हुए एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। राइट आर्म मीडियम और ऑफ ब्रेक इनको परेशान करता है, यहाँ पे संधू, ग्रीन, नेथन मैकेनरी और लियाम हैचर मिल जाएंगे, जिसमें तो ग्रीन तो पहला ओवर लेकर भी आ जाते हैं, तो ग्रीन भी इनको परेशान करेंगे और वो विकेट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है जैक क्राउले, पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप रहे, 1 में 65 का स्कोर किया, थंडर के सामने 22 रन और पिछले एक साल के अंदर 23 का एवरेज है। जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो 26 के एवरेज को मेंटेन करते हैं और हवी हाल फिलहाल में कोई इनकी कमजोरी नहीं है। फिर है दोस्तों एरोन हार्डी वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया ऑप्शन। अब चूंकि ध्यान रखिएगा कि पिछले कुछ मैचेस से बहुत ज्यादा कुछ गेंदबाजी की नहीं है, इस मैच में कर लें अच्छी बात है, विकेट निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी उतनी गेंदबाजी नहीं कर रहे, और ये चीज आपको यहां पर भी क्लियर होगी कि बैटिंग की है 30 पारियों में और बॉलिंग की है सिर्फ 13 पारियों के अंदर और 10 विकेट इनके खाते में गिरे हैं। लेग ब्रेक गेंदबाजी इनको परेशान करती है और जो कि इनको 3 बार ऑलरेडी आउट कर चुकी है। सामने वाली टीम के पास अगर जाओगे तो वहां पे आपको तनवीर सांगा मिलते हैं जो कि लेग ब्रेक गेंदबाजी कर लेते हैं और करते भी है क्वालिटी के साथ। फिर इसके बाद जॉश इंग्लिश,
स्कोर किया है जब जब बैटिंग आई है, तो ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट टीम में फिट है। और पहले बैटिंग करते हुए इनके खाते में 32 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 38 का है, और बैटिंग एवरेज इनका सिडनी थंडर के सामने 18 का है, वैसे 36 का है। कमजोरी इनके हाल फिलहाल में कोई है नहीं, और अभी वर्ल्ड कप पर भी ठीक खेले थे। इसके बाद दोस्तों लॉरी इवंस दोनों मैचेस में ठीक स्कोर रहा, सिडनी थंडर के सामने 2 में 32, और पिछले एक साल के अंदर 26 का एवरेज है। जब पहले बैटिंग करते हैं तो 34 के एवरेज को मेंटेन किया है। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो रख लीजिएगा, सेकंड बैटिंग कर रही है तो छोड़ दीजिएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज आपको इनका 12 का देखने मिलता है। डैनियल सेम्स यहां पर मौजूद हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर है इसके बाद कूपर कनोले, लास्ट मैच में फाइनली स्कोर किया और ये इनका सबसे बढ़िया स्कोर था लास्ट मैच का, 23 रन। बाकी ये खिलाड़ी बिलो एवरेज हैं तो छोड़ के चलना बेटर ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है एस्टन अगार का, गेंदबाजी के बारे में मैंने अगार की बात की थी कि ये बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, 22 इनिंग में 15 विकेट खाते में है। इससे भी आप समझ सकते हो कि भाई ये 2-3 मैचेस में 1-2 विकेट निकाल देते हैं। तो हाल फिलहाल की स्थिति में मैं सिर्फ ऐसे खिलाड़ी को टीम में पिक नहीं करूंगा जिस पे मेरा बहुत बड़ा रिस्क हो जाए, जिनसे विकेट की उम्मीद ज़्यादा ना हो। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 9 का देखने मिलता है। डैनियल सेम्स इस तरह की गेंदबाजी करते हैं जो कि इनको परेशान करे। इसके बाद दोस्तों लेंस मॉरिस कमाल कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, आप देख सकते हैं थंडर के सामने 4 इनिंग 2 विकेट हैं, और T20 क्रिकेट में 21 इनिंग में 16 विकेट खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट ये निकाल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जाय रिचर्डसन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग की है, 7 इनिंग में 9 विकेट इनके खाते में है पहले, और 28 में 45 इनके पिछले 2 सालों में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 14 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 31 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अंतिम जो दो नाम है जिसमें एंड्रयू टाय और बैरन रॉफ को मिलता है, दोनों खिलाड़ी तगड़े हैं, दोनों को आपको रखना पड़ेगा। अब बैरन रॉफ को रखने की कंडीशन इतनी है कि अगर आपको लग रहा है कि पावर प्ले में विकेट जाएंगे तो आप इनको जगह दीजिएगा, अगर पावर प्ले में विकेट जाने के चांसेस कम हो तो फिर इनको रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकंड इनिंग में हुआ यह कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहते हुए हम दूसरे गेंदबाजों को टीम में पिक कर सकते हैं। बाकी एंड्रयू टाय पहले गेंदबाजी करते हुए बड़े कमाल के प्लेयर है। फिर इसके बाद अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन देखें तो ईजी चॉइसिस है डैनियल सेम्स, एरोन हार्डी, लेंस मॉरिस, एंड्रयू टाय, एलेक्स हेल्स और टॉम कॉलर केडमोरे। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आपने रखा बैनक्राफ्ट को, इंग्लिश को, इवंस को, कॉलर को, एलेक्स हेल्स को, डैनियल सेम्स, एरोन हार्डी और सारे इस टीम के गेंदबाज। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा, कुछ 2-3 चेंजेस पॉसिबल है टॉस के अकॉर्डिंग, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके हिसाब से 1-2 चेंजेस बनेंगे, तो वो मैं टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखें दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।